गाइस, ये है मेरी अपाचे आरटीआर 180 एंड मुझे पता है काफी दिनों से निगलेक्ट कर रहा हूं मैं इसे, बट अब नहीं, अब ऐसा नहीं होने वाला। सो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इट्स मैकेनिकली टोटली फाइन, इंजन अभी भी स्टार्ट है, बस एक एक मारो स्टार्ट हो जाती है, बट कई सारे प्लास्टिक पार्ट, बिट्स एंड टैंक स्टिकर्स सब थोड़े थोड़े मजेदार नहीं है इस टाइम। ये फ्रंट फेयरिंग आप देख सकते हो, मड गार्ड आप देख सकते हो, सब टूट टाट गया है। सो अब ये सारी चीज़ें मैं जाके अभी लेके आऊँगा, एंड ये सारी मतलब मड गार्ड कह रहा हूँ, लेग गार्ड को भी आप देखो। सो फटाफट से गाइस बैठते हैं नैनो के अंदर एंड चलते हैं करोल बाग की गलियों में, एंड वहाँ से लेके आएंगे इसका सारा सामान आज। जैसे कि हैंडल्स मतलब ब्रेक एंड क्लच लेवर, वो मैं सोच रहा हूँ एडजस्टेबल वाला लूँ, एंड कुछ और चीजें इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट, वो सब मैं आफ्टर मार्केट ही लेने वाला हूँ। सो फटाफट से पहुंचो, बड़ी एक्साइटमेंट से हो रही है, एंड मुझे पता है आज मोटा खर्चा होने वाला, मेरा बहुत ही मोटा खर्चा होने वाला है। तो देखते हैं कितना खर्चा होगा, सारा टोटल एक एक चीज का मैं आपको प्राइस बताऊंगा, टेंशन मत लेना उसकी। सो फटाफट से गाइस पहुंचा जाए करोल बाग। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं करोल बाग की गलियों में हूँ, तो काफ़ी अच्छा अच्छा फील हो रहा है, बट जिस जगह पे जाना था वो एग्जैक्टली याद रही नहीं, बट एक जगह दिखी जहाँ पे TVS का काफ़ी बड़ा बड़ा बोर्ड था, सो वहीं के पास गाड़ी लगाई, जो कि ये है लक्ष्मी ऑटो ट्रेडर्स। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे काम हुआ नहीं, क्योंकि हुआ होता तो मैं आपको सामान दिखाता अगले शॉट में, बट मैं गाड़ी के अंदर वापस बैठ रहा हूँ जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इनके पास इंजन पार्ट्स वगैरह थे, लेकिन प्लास्टिक पार्ट्स और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो सब नहीं था। सो कुछ और ढूंढने के बाद जाके ये बाइक वाले इलाके में आए, तब जाके कुछ याद वाद आया। सो गाइस 11 नंबर गली है, जहाँ तक मुझे याद है ये 11 नंबर गली के अंदर है, या 12 नंबर गली है, 11 या 12 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है, बट जहाँ पे मुझे गाड़ी की पार्किंग बिल्कुल नहीं मिली तो मुझे मेन रोड पे लगानी पड़ी, एंड मैं गलती से माइक अपनी कार के बैक सीट पे भूल गया। तो फिर मैंने कहा यार अब कुछ फायदा नहीं बोलने का क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर होगा, सो ऐसे चलते रहे। यहाँ पे मैं आया, अब ये चीज़ तब नोटिस करना, लेफ्ट साइड पे आपको ये प्रीमियर ट्रेड नाम का दिखेगा, ये 11 या 12 नंबर गली के पास है, और इसके साथ वाली गली के ही अंदर आपको जाना है। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको ये TVS का बोर्ड यहाँ पे दिख जाएगा, इसको जाने दो ज़रा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये दिखेगा TVS का बड़ा बड़ा बोर्ड, नारंग ब्रदर्स। सो यहाँ पे गाइस फिर मैंने ऑर्डर लगवाया, फिर हम लोग आगे गए क्योंकि मुझे लेना था स्टिकर सेट। अब स्टिकर सेट इस पर्टिकुलर ऑब्वियसली वाला शॉप पे नहीं था क्योंकि स्टिकर वालों की दुकानें अलग हैं, एंड मेरे ख्याल से ओरिजिनल स्टिकर सेट नहीं होगा उसके पास, तभी उसने आगे भेज दिया। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे वागे गए तो ये एक शॉप मुझे मिली जिसका प्राइस बारे में आपको बताऊंगा, एंड ये है गाइस वो शॉप जैन आर्ट मीडिया, एड्रेस यहाँ पे देख सकते हो जो भी यहाँ लिखा हुआ है। सो इससे मैंने गाइस ये सामान लिया, एक पूरा का पूरा स्टिकर सेट, देन अपाचे का 3D वाला लोगो जो अपाचे आई थिंक ABS में आया था, एंड आरटीआर 180 का मोनोग्राम, ये गाइस मुझे मिला है अराउंड 700 रुपीज का। एंड अब नारंग ब्रदर्स के पास वापस आया हूँ तो ये मीटर का फ्रेम यहाँ पे आ चुका है, इंजन फेयरिंग आ चुकी है और मड फ्लैप आ चुका है। अब ये इंजन फेयरिंग है ये एक्चुअली जेन्युइन नहीं है, बट मड फ्लैप इज द जेन्युइन वन। सो अब मैं गाइस आया हूँ 34 नंबर गली के अंदर, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी बहुत एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती हैं, तो मुझे इंडिकेटर्स लेने थे जैसा कि आपको बताया था। सो यहाँ पे कई सारी शॉप्स देखने के बाद जाके एक शॉप पे काइंड ऑफ मामला सेटल हुआ, जो कि ये शॉप है। एक्चुअली मैं शॉप का नाम नहीं बता सकता क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आप पर्सन को देख सकते हैं बहुत बढ़िया बंदा है, इन्होंने मुझे इंडिकेटर्स दिखाए भी और मैंने इनसे लिए, दो अलग अलग सेट लिए हैं, वो गाइस मैं आपको काइंड ऑफ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा सारे डिटेल में, क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो बैक टू नारंग ब्रदर्स, ये टोटल सामान के पैसे दिए मैंने, कुछ चीज़ें और थी एडिशनल, सारा के सारे प्राइजेस आपको अलग अलग चीज़ों के मैं बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अब यहाँ से बस बाहर निकल रहे हैं, सो आपको मैंने जगह बता दी, 11 या 12 नंबर की गली है, नारंग ब्रदर्स के पास आके आपको पार्ट्स लेने हैं, दूसरा 34 नंबर एली के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिल सकते हैं। ये मैंने अपना माइक निकाल लिया, पीछे से सामान सारा रख दिया है, अब गाड़ी निकाल के जरा पहुंचा जाएगा घर पे, एंड उसके बाद इस सारे सामान को मैं खोल खाल के दिखाऊंगा, बट
मैंने जानबूझ के इस वीडियो में नहीं लिया, अदरवाइज ये वीडियो हो जाता गाइस बहुत ज्यादा लॉन्ग. सो प्लीज डू चेक आउट द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन.